हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राजीव कुमार सिंह अपने सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं अपने समस्त 10th क्लास के स्टूडेंट्स का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमने अभी तक जितने भी हमने वीडियो आपके साथ शेयर किए उस सभी वीडियोज में हम लोग नेटवर्किंग के टॉपिक्स के बारे में पढ़ते थे, और मेरे लास्ट वीडियो में भी आप महसूस करोगे जो अभी वीडियो जो शेयर हुआ है, इसमें मैंने लास्ट टॉपिक मैंने बोला कि नेटवर्किंग के लास्ट टॉपिक टोपोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इस वीडियो के पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर हो चुका है। आज से हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट और नेटवर्क, ये दोनों दो ट्रैक हैं। पहले हमें नेटवर्किंग के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इंटरनेट के बारे में विधिवत तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये बोर्ड पे टॉपिक दिखाई दे रहा है, इंटरनेट, तो इस डेफिनेशन में यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंटरनेट इज अ यूज और लार्ज कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो नेटवर्किंग व्यवस्था है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जितने भी विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्किंग व्यवस्थाएं हैं, उसका समूह है, एक ग्रुप है। देखो, इंटरनेट इज अ यूज और लार्ज कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक। इंटरनेट किन किन अलग अलग प्रकार के नेटवर्किंग के मिलने से बना है, इसलिए हम लोग अभी तक जितने वीडियो शेयर किए उसमें हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो इंटरनेट क्या करा? तो इंटरनेट विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग सिस्टम के मिलने से बनता है, जिसमें मैंने पैन, लैन, मैन और वैन। ओके, ये जितने भी चार प्रकार के नेटवर्किंग सिस्टम है, इनके मिलने से इनका एक कलेक्शन कहूं, इसका एक ग्रुप कहूं, उसका लोग इंटरनेट की व्यवस्था कहते हैं। ओके, देन सो वी कैन ऑल्सो नोन टू इंटरनेट बाय अदर नेम। दैट इज वेब। इंटरनेट को हम लोग वेब के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट को हम लोग वेब के नाम से भी जानते हैं। WEB मीन्स इंटरनेट इज द ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट को हम लोग वेब के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं वेब के नाम से? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के जितने भी नेटवर्किंग सिस्टम है, उसका एक कलेक्शन है। और इसका हम लोग बाकी दूसरे नाम से भी, हम लोग इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ओके, अभी तो ये हमने जो भी ये पढ़ा, इसमें हम लोगों ने इंटरनेट के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल किस नियम के तहत काम करता है। ओके, तो मैंने नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन में अपने किसी वीडियो में बोला था कि 1974 में TCP और IP प्रोटोकॉल की लॉन्चिंग हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी। अपने मैंने किसी वीडियो में आपसे बोला है कि 1974 में हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क के समय में, उस वीडियो में मैंने अपने थर्ड पॉइंट में शेयर किया है कि 1974 में TCP और IP प्रोटोकॉल की लॉन्चिंग मतलब डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पर इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, इंटरनेट
हेलो टीडी टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल अगर मैं बात बोलू टीसीपी और आईपी ओके टीसीपी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी में इंटरनेट प्रोटोकॉल इन दोनों का डेवलपमेंट कब हुआ था तो 1974 में ओके इन दोनों प्रोटोकॉल्स का डेवलपमेंट कब हुआ था तो 1974 में। अब मैं इसका वर्किंग बतलाता हूं कि टीसीपी और आईपी का काम क्या है ओके तो ये इसको ऐसे समझिए कि ये वर्ल्ड और यहां पर कोई सैटेलाइट है इस सैटेलाइट के थ्रू हमारा इंटरनेट चलता है पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का सैटेलाइट है और ये हमारा एक वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। तो अगर मैं कोई अपना रिक्वेस्ट भेज रहा हूं इस अर्थ पर से अगर मैं अपना कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो ये रिक्वेस्ट यहां तक पहुंचाना ये क्लाइंट का टीसीपी ऑलवेज ट्रांसफर डिक्लाइन रिक्वेस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट टू बी सर्वर टू बी सर्वर मतलब टीसीपी का काम क्या है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर तक प्रॉपर वे में भेजना ओके और इसके लाइब्रेरी से इसके वर्ल्ड वाइड वेब के लाइब्रेरी से उस रिक्वेस्ट के आधार पर जो इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से आईपी क्या करता है प्रॉपर पीआरओपीआर प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिच रिच अकॉर्डिंग
प्रॉपर क्लाइंट एड्रेस by the help of IP help of IP। अगर मैं बात बोलूं यहां पर मैंने वर्किंग बोल दिया है कि TCP always transfer the client request to the server। TCP क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है TCP, और IP क्या करते हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिच अकॉर्डिंग टू प्रॉपर क्लाइंट एड्रेस बाय द हेल्प ऑफ IP। ये सही इंफॉर्मेशन सही क्लाइंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? IP। तो TCP और IP यही काम है, क्योंकि वर्ल्ड के हर हिस्से से रिक्वेस्ट सर्वर तक गूगल तक भेजा जाता है, और हर व्यक्ति का रिक्वेस्ट अलग अलग तरीके का होता है, और सभी लोग अपने एट ए टाइम, कोई टाइमिंग तो हम लोग को पता नहीं कि किस कंट्री में किस जगह पर किस जहां पर किस लोकेशन से कब कौन सा कंप्यूटर कौन किस रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहा है। तो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर तक, रिक्वेस्ट क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर तक ले जाने का काम करते हैं TCP, और उस इंफॉर्मेशन के बदले जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है वो हमारा करता है तो मतलब IP। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल दू तो अगर हम लोग मेल लिखते हैं पोस्ट ऑफिस में, लेटर लिखते हैं ना, तो एक बात आता है पोस्ट ऑफिस में लेटर में ना, अगर हम लोग केवल पिन नंबर लिख दें, जिस तरह हम लोग यहां पर हम लोग का लोकल पिन नंबर 841301, अगर मैं इतना लिख दूं, अगर मैं किसके नाम से मैं लेटर लिखना हो, अगर मैं नहीं लिखूं कल मैं इतना लिख दूं 841301, तो ये निश्चित है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से वो लेटर आएगा वो छपरा तो पहुंच जाएगा, लोकेशन छपरा तो आ गया। परंतु अगर मैं प्रॉपर एड्रेस लिखूंगा, अगर मैं उसका प्रॉपर नाम लिख दूं कि CPS सेंट्रल पब्लिक स्कूल विकास नगर, विकास नगर छपरा, इतना भी लिख दूं तो छपरा में इसके द्वारा तो छपरा में आ जाएगा, परंतु ये एड्रेस मैंने लिख दिया तो वो प्रॉपर लोकेशन तक पहुंच गया। ओके, तो जो ये लेटर आते कहीं से भी पोस्ट ऑफिस में जो लेटर आता है वो सही लोकेशन तक जो पहुंचाने का काम करता है वो हमारे क्या होता है प्रॉपर एड्रेस, उसमें भी क्या करता है ये पिन नंबर। तो वही काम इंटरनेट में IP का है, वही काम IP का है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर यूज करे, हर किसी के कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग है, और जब जो भी अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो जो भी है सर्विस प्रोवाइडर, अगर मान लो कि 100 आदमी का एक ही कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, मान लो कि जियो यूज कर रहा है, तो जियो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हर किसी का इंडिविजुअली कोई नंबर होगा, जिस नंबर के थ्रू इंटरनेट चल रहा होगा, तो जो नंबर है वो हमारा क्या काम करेगा? IP का। ओके, जो हम लोग का जियो का नंबर होगा वो हमारा IP का काम करेगा, हमारा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि IP और प्रोटोकॉल का सिद्धांत आप लोग समझ गए हो। अब मैं इसके आगे एक टॉपिक और बोलूंगा कि इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है,
फर्स्ट नीड टू रन द इंटरनेट इंटरनेट फास्ट, सबसे पहले हमें पता है मॉडर्न मॉडर्न, आपके पास मॉडर्न होने ही चाहिए। उसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देन आपके पास वेब ब्राउजर होनी चाहिए, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, एंड लास्टली टेलीफोन कनेक्शन भी होने चाहिए, ओके। सो वी हैव नीड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज टू रन द इंटरनेट कनेक्शन इन आवर पीसी, ओके। दैट इज मॉडेम, सेकेंड इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फोर्थ इज वेब ब्राउजर, एंड देन टेलीफोन। अब मैं इसको वन बाय वन करके मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स मॉडर्न मीन्स मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मतलब उसमें कुछ मॉडिफाई करना, उसके उसके स्थिति में उसके पोजीशन में कुछ बदलाव करना। तो कुछ क्या बदलाव होगा, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर आई रन ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ बाइनरी डिजिट, ओके, बाइनरी डिजिट। मैं समझाता हूं, जैसे कि मैंने मॉडर्न का मैं पहले पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में देना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मॉडर्न का वर्क क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर कभी भी जब काम करता है तो वो डिजिटल फॉर्म में, जो हम लोग डिजिटल फॉर्म बोलते हैं, तो मतलब डिजिटल मतलब बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज के तौर पर काम करता है, ओके। इस बातों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, मॉडर्न इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब ब्राउजर, दैट टेलीफोन। अब मैं इसको कंप्यूटर मॉडर्न का काम क्या है, जब हम लोग इंटरनेट रन कराते हैं, जब अगर मान लो कि हम अपने पीसी से ईमेल किसी को भेजते हैं, अगर मैं अपने पीसी से मैं किसी को किसी को भी मैं ईमेल भेजता हूं, तो जो भी मैं यहां पर एप्लीकेशन या लेटर जो भी मैं टाइप करूंगा, जो भी मैं टाइप करूंगा, कंप्यूटर तो उसको डिजिटली फॉर्म मतलब जीरो और वन में समझ रहा है, जीरो और वन में। इंटरनेट का मैं यहां पर कनेक्शन से एस्टेब्लिश कर रहा हूं, तो
अगर मैंने यहाँ से कीबोर्ड से अगर ये भेज दिया और ये मेरा सीपीयू है, ओके, ये कीबोर्ड और ये सीपीयू एंड दिस वन इज कॉल्ड माउस, ओके, देन सीपीयू में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कनेक्ट करूंगा मॉडेम को, मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, ये दो प्रकार से होते हैं, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है, ओके, मॉडेम आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज वन इज इंटरनली दैट अनदर में भी एक्सटर्नली, सो ये मॉडेम, ओके, ये मॉडेम यहां से ये जो बाहरी जो जितने भी एप्लीकेशन है ये हमारे बाइनरी नंबर में आ रहे हैं, ये सारे चीज के इसमें आ रहे बाइनरी डिजिट, ओके, ये बाइनरी डिजिट, अब इस बाइनरी डिजिट को इस मॉडेम में मॉड्यूलेशन मॉडेम जो फर्स्ट जो ईमेल जो सेंडर होगा ईमेल जो भेजने वाला होगा उसका मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, ओके, सो दिस मॉडेम विल चेंज दी बाइनरी डिजिट टू एनालॉग डिजिट, दिस मॉडेम will convert digital signal to analog signal. सिग्नल, ओके, मतलब जो ईमेल भेजने वाला होगा, अगर मान लो कि मैं भेज रहा हूं तो मेरा जो सीपीयू से जो कनेक्टेड मॉडेम होगा वो क्या करेगा, वो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा, ओके, फिर यहाँ पर टेलीफोन होगा, ये टेलीफोन से क्या होगा, ये हमारा सिग्नल रेडियो वेव लाइट वेव जो भी हम लोग नाम लेते हैं उसके हिसाब से ये ट्रांसफर करेगा, तो आगे वाले का जो भी रिसीवर होगा उसका मॉडेम पहले आ जाएगा, उसका जो मॉडेम होगा उसका जो मॉडेम होगा तो इसमें क्या गया, ये डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट किया, एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट किया और फिर इस एनालॉग सिग्नल को हटा करके उसको फिर से वो डिजिटल फॉर्म में ये मॉडेम जो रिसीवर का जो मॉडेम होगा वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करके एनालॉग सिग्नल को अलग हटाएगा और फिर वो जो इंफॉर्मेशन होगा उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये रिसीवर के सीपीयू को देगा और ये सीपीयू से कनेक्ट करने के बाद ये मॉनिटर पर हमें वो इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि द वर्किंग फंक्शन ऑफ मॉडेम is to convert the digital signal into analog signal, that this process is called modulation, and when receive our signal to another then it will convert the analog signal to
डिजिटल सिग्नल दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू कन्वर्ट the digital signal in format of एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन वेयर एज when analog signal convert into digital signal is called demodulation. It's called demodulation. ओके तो ये मैंने वर्किंग ऑफ मॉडल के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन किया है. द वर्किंग ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू द फॉर्मेट ऑफ एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. एंड वेयर एज when analog signal convert into digital signal is called demodulation. तो मैं ये बात उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको इस बातों को समझ में आया होगा. मैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे. और जो भी आपको डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हो. ओके, थैंक यू.